आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनिए आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर न्यायालय की जानिब से जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन को मान्यता दी गई है, उसी के चलते परभणी ज़िले में जल्लोष मनाया गया है। और जल्लोष मनाया भी क्यों नहीं जाएगा, जल्लोष इसके लिए मनाना ज़रूरी था कि ओबीसी रिजर्वेशन की आज परभणी वासियों को ही नहीं ओबीसी धारकों को बहुत सख्त ज़रूरत है। उसी के चलते परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट यहाँ पर सैयद नोमान हुसैनी कौसर इनके घर पर जिस तरह से लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से सलीम इनामदार और इनकी पूरी टीम ने माची नगर सेवक सैयद नोमान हुसैनी कौसर इन्हें इनका और इन्हीं के साथ में बेलदार समाज के सभी लोगों का सत्कार किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाजिद भाई और उसी के साथ में सैयद नोमान हुसैनी कौसर और इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से इन लोगों का सत्कार किया गया है और इस खुशी में सत्कार किया गया है कि जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया है, उसी के चलते ओबीसी रिजर्वेशन 2 साल से ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसी आप देख सकते हैं कि किस तरह ओबीसी रिजर्वेशन जिसे ही मिल गया है उसका जल्लोष मनाया गया है हैदराबाद प्लॉट यहाँ पर। आइए जानते हैं किस तरह की बात लोक श्रेय मित्र मंडल के सलीम इनामदार साहब इन्होंने कही है और क्या किस तरह के ख्यालात का इजहार सलीम इनामदार साहब इन्होंने किया है। कल का जो हमारा जो सफल हुआ, आज जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया ओबीसी, जैसा कि कौशल भाई वाजिद भाई तो जो बात बताए वो हकीकत सही है। वहां पे मुस्लिम की तादाद बहुत कम नजर आ रही थी। आइंदा सब ध्यान रख के जो भी मसले मसाइल आए थे ओबीसी के बारे में, अब जैसा कि एनटी केंद्र में बोले जाता ओबीसी, वो भी बात सही है। बहुत से अपने नौजवान तबके को मालूम नहीं है ओबीसी में कौन है क्या है। जैसा कि पूरे समाज को संगठन करे तो बहुत सारा, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया ये बहुत अच्छा, एक तो हमारा राजकारण का एक फायदा होगा और शिक्षण का एक शैक्षणिक में जैसा कौशल भाई ने बताया 40 लाख लग रहे, 80 लाख लग रहे वो नहीं लगेंगे। ये पाबंदी थी वो हट गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का और ओबीसी में जितने भी समाज इसमें योगदान दिए, जैसे सौरभ परियार है, भगवान वाघमारे है, बुधवंत है और भी दूसरे जो लोग है, उन सभी का मैं आज शुक्रिया अदा करते हुए। सैयद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी जिले को मेडिकल कॉलेज की परमिशन मिल गई, डॉक्टर संजय मोरे इन्होंने स्वीकार किया है और ये पद पर बैठे हैं। परभणी शहर के सामान्य अस्पताल यहां पर ये प्रोग्राम लिया गया है जिसमें वैद्यकीय महाविद्यालय के कामकाज की शुरुआत की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम किया गया है और उसी के चलते परभणी के सामान्य अस्पताल की जानिब से नर्सिंग स्टाफ की जानिब से आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या आह्वान भी किया है। मैं मीनाक्षी वेंकटेश्वरशी मुख्याधी सेविका परभणी, मी सगळ्यांना नमस्कार करते आणि आनंदाची गोष्ट मी अशी सांगते की परभणी हा परभणी जिल्ह्यामध्ये पूर्वी सामान्य रुग्णालय परभणी येथे सध्या मेडिकल कॉलेज सँक्शन झालेले आहे आणि त्यामध्ये 430 घाटाचं मेडिकल कॉलेज होणार आणि त्याच्यामध्ये 100 MBBSचे विद्यार्थी होणार। मग तसंच जसं MBBSचे 100 विद्यार्थी येणार, त्या अनुषंगाने काही दिवसांनी जनरल नर्सिंगचे जे आहेत आमच्याकडे जनरल हॉस्पिटलमध्ये ANM GNM ट्रेनिंग सेंटर सुरू आहे। पण त्याचबरोबर जर 430 खाटाचे मेडिकल कॉलेज होत आहे तर त्याबरोबर 100 MBBSचे विद्यार्थीसुद्धा येतील आणि 100 विद्यार्थी आले की BSc नर्सिंगसुद्धा तसेच सुरू होईल। जेणे याचा हा फायदा होईल की आपले जे सामान्य रुग्णालय परभणीचे जे रुग्ण होते की ते नांदेडला शिफ्ट व्हायचे किंवा परभणीला शिफ्ट व्हायचे, आता तसं ते बाहेर शिफ्ट होण्याची आवश्यकता नाही, त्यांना ती इथल्या इथेच त्यांना काय भेटेल ट्रीटमेंट भेटेल आणि सगळं जे काय मेडिकेशन वगैरे सगळं त्याच्यामध्ये सगळंच येईल। योगा येईल, सगळं जे काय आपल्याला प्रिव्हेंटिव्ह प्रोमोटिव्ह आणि क्युरेटिव्ह ज्या आहेत फॅसिलिटी त्या फॅसिलिटी भेटतील। आणि महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की आत्ताच
मागच्याच आठवड्यामध्ये एक पत्र आलेलं आहे, त्या पत्राद्वारे डॉक्टर मोरे हे मेडिकल कॉलेज नांदेडचे आहेत, मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटचे, तर ते दोन्ही पदभार सांभाळणार आहे. नांदेडचा पण ते प्राध्यापकची कार्यभार सांभाळून ते परभणीचं मेडिकल नवीन मेडिकल कॉलेजचे सुद्धा डीन ह्या पदाचं सूत्र लवकरच, म्हणजे मला तर असं वाटतं उद्याच ते काय करतील, उद्या ते जॉईन पण होतील. आणि ते जे काय मेडिकल कॉलेजचे जे कार्यभार आहे, श्रीयुत नागरगुजे बाळासाहेब माननीय जिल्हा शल्य चिकित्सक, ते त्यांना त्यांच्या पद्धतीने नियमानुसार जे काय कार्यभार आहे ते सुपूर्द करतील असं माझ्या कालपासून कानावर आहे. मला कन्फर्म नाही माहिती, पण आता सिव्हिल सर्जन आणि किंवा असिस्टंट सिव्हिल सर्जन तुम्हाला महत्त्वाची गोष्ट याच्या पुढील गोष्टी सांगतील. धन्यवाद. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. परभणी जिला शिवसेना का बाले किला माना जाता है और उसी के चलते 21 जुलाई 2022 परभणी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके निवास स्थान पर परभणी के कट्टर शिवसैनिकों ने, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके सपोर्टर है, इन्होंने बॉन्ड पेपर पर राइटिंग में लिख कर दिया है कि हम उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, जो पुरानी शिवसेना है, इसका कट्टर समर्थन करेंगे और इसे मरते दम तक इस शिवसेना का हम साथ देंगे. इस वक्त शिवसेना के परभणी जिला सहसंपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नामंदर, इन्होंने जिस तरह से मालूम दी है उसी के चलते इस प्रोग्राम में विधानसभा प्रमुख जगदीश चौधरी, संजय गाड़गे, अनिल दहाड़े, अरविंद देशमुख, ज्ञानेश्वर पवार, प्रशांत ठाकुर, नवनीत पाचपोर, मारुति तीघे, मनात काड़े, उद्धव मोहिते, बाबू फुलारी, बाबू फुलपगार, अशोक गव्हाणे, अनिल वाघमारे, गोपाल कदम, गोपाल चौथाईवाले, भानुदास हुबे, विशाल कळसाईकर, पांडुरंग लोखंडे, विष्णु ढाळे, प्रभु जयसवाल, गणेश मुड़े, रमेश घीके, इनकी मौजूदगी थी. और जिस तरह से उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना को परभणी ज़िले में मजबूत किया जा रहा है, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शिवसेना परभणी ज़िला शिवसेना का बाले किला है और बाले किले का कोई हला नहीं सकता, ये भी इन्होंने परभणी ज़िले के शिवसैनिकों ने बता दिया है. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. परभणी ज़िले में हर घर तिरंगा उपक्रम रवाया जाने वाला है और इसमें 2 लाख झंडे दिए जाने वाले हैं. हालांकि 4 लाख झंडों का उद्दिष्ट पार करने की कोशिश की जाने वाली है. ज़िले के विविध संगठनाओं ने खुद होकर लेने की कोशिश की है और इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र के अमृत महोत्सव के ताल्लुक से देश भर में 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक इस कालावधि में जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाने वाला है, जिसमें 2 लाख तिरंगा ध्वज दिए जाने वाले हैं और ज़िले के विविध संगठनों ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कोशिश की है. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. परभणी जिले में वैद्यकीय महाविद्यालय का होना जरूरी है और उसी के चलते अधिष्ठाता पद का स्वीकार करने के लिए डॉक्टर संजय मोरे, इन्होंने जिस तरह से परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में एक प्रोग्राम लेते हुए इसे अधिष्ठाता पद पर बैठे हैं और पद पर बैठने के बाद में इन्होंने अपने पद को यहाँ पर पदभार स्वीकारा है और स्वीकारने के बाद में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अधिष्ठाता पद पर डॉक्टर संजय मोरे, इन्होंने इनकी नियुक्ति करने के बाद में 21 जुलाई 2022 को रुग्णालय में जिस तरह से एक छोटे खानी प्रोग्राम लिया गया है और छोटे खानी प्रोग्राम लेने के बाद में डॉक्टर B.S. नागरगोजे इनकी जानिब से प्रोग्राम लिया गया है. इस वक्त परभणी ज़िले के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय को जिस तरह से परमिशन मिली गई है और उसी के चलते कई वर्षों से ये मांग पूरी होना थी और इसके लिए आंदोलन भी किया गया था, इस आंदोलन को पूरी तरह से कामयाब परभणी के पॉलिटिशियनों ने किया है. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. ये न्यूज कव्हर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी,
परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सैयद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एन ए लेआउट प्लॉटिंग शी अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एन ए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईट ची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सैयद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रझाक 7057818999। मिर्झा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्झा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SK ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक SK ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में। ग्राहक की खुशी यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस SK ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881290190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर बनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।